आप देख रहे हैं नित्यानी टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। कल सुबह से पानी की टंकी पर चढ़े पप्पू महाराज किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे और एक ही जिद पर अड़े थे कि जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं आएंगे मैं नीचे नहीं उतरूंगा। लेकिन देर शाम उन्हें तहसीलदार मैडम द्वारा पूरा भरोसा दिलाया गया कि आपकी जो भी समस्या है उसे हम तुरंत हल करेंगे व आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब जाकर कहीं महाराज नीचे उतरे। इसके बाद उन्हें सीधे भौती उप तहसील लाया गया जहां मैडम द्वारा उनकी समस्याएं सुनी एवं जल्द ही उन्हें हल करने का आश्वासन देकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया, तब जाकर कहीं पूरे प्रशासन ने राहत की सांस ली। जी राजन जी, आपकी क्या शिकायत थी जिसको लेकर आप टंकी पर चढ़े थे? किसानों की नाम बिगाड़ दी है तहसीलों में, बल्दियत बिगाड़ दी है मध्य प्रदेश में, ये हर व्यक्ति की समस्या है। ये स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ट्यूशनों के पैसे देना पड़ते हैं, 16-16 हजार रुपए देना पड़ते हैं, मेरी मजबूरी है, कहाँ से दें इतना पैसा, सरकारी शिक्षक पढ़ाते हैं। तो अभी आप जैसे उतरे तो आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दे दिया गया कि कोई तुमसे पैसा नहीं लेगा ट्यूशन का, आपका नामांतरण है वो फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लेगा नामांतरण, आपको ना सता नामांतरण भी होना है। और जिन किसान भाइयों की जमीन के कागज बिगड़े पड़े हुए हैं, तहसीलदार महोदय ने मुझसे बोला है कि उनको मेरे पास लाइए, मैं फ्री में सुधार के दूंगी, ये वादा करती हूँ। इसे देखते ही मैं उतार आया क्योंकि किसान भाइयों का भला हो, मेरी अंतिम इच्छा यही है। उन्होंने कोई केस भी नहीं बनाया मेरे पास, आवेदन है राष्ट्रपति महोदय से SDM महोदय तक मेरा आवेदन लगा हुआ है। इससे पहले एक साल पहले भी आप टंकी पर चढ़े थे तो जब मेरे पिता का नाम बिगाड़ दिया था, इन्होंने 10,000 रुपए पैसे ले रहे थे, जब मैं टंकी पर चढ़ा तत्काल सुधार दिया था, आज भी लोगों से ले रहे थे 10-20 हजार रुपए, जब सुधारते हैं ये लोग फिर नहीं सुधारते। आपसे पैसों की मांग की थी? अभी पहले की थी, पहले पर की साल चढ़ा था, मैं 10,000 रुपए की मांग की थी, मैंने देने से असमर्थ किया, उतनी है जमीन, चढ़ गया मैं, फिर ही सुधर गई हाल। टंकी पे चढ़ गए थे, इनकी पारिवारिक समस्या थी, इनके बच्चे की ट्यूशन फीस की मांग की जा रही थी, ट्यूशन वो जाती थी 16,000-32,000 वो बता रहे थे कर्जा उनको देना था, जो कि वो दे नहीं पा रहे थे, इस संबंध में वो टंकी पे चढ़े हुए। उतरे कैसे, आपने क्या सुझाव दिया उनके लिए? मैंने बस उनको यही कहा है कि आपके खिलाफ जो भी आपकी जो मांगे हैं उनको प्रयास किया जाएगा कि उसे पूरा किया जाए, और जो फीस वगैरह है, जो ट्यूशन फीस वगैरह है, उसको बात की जाएगी कि क्या है आपकी। पूर्व में भी चढ़ गए थे वो, उनकी मांगे उस साल भी पूरी नहीं हुई थी? पूर्व की मांगे जो थी वो पूरी हो चुकी थी, दुरुस्ती का मांग नहीं थी। अच्छा, तो अभी नई मांगे लेके टंकी पे चढ़ी थी? हाँ, इनकी पारिवारिक समस्या थी जो बच्ची को लेकर थी कि उनकी बच्ची की ट्यूशन फी बहुत ज्यादा थी जो वो चुका नहीं पा रहे। तो आपने उन्हें आश्वासन दिया था कि पे कोई काम ही नहीं हुई, तो वो घर पहुंच गए क्या? उनकी सुपुर्दगी उनको करा दी गई है, उनके परिवार परिवार वालों को दे दी है। धन्यवाद मैडम।